to just avoid them, right? और ये जो चैप्टर है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूवेशन इसमें टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं राइट तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च करी है आपके लिए इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आए अच्छा लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना राइट सो हमारे यूनिट का नाम क्या है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युवेशन इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युवेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस

मेजरमेंट और इवेल्यूवेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट को पास करने के लिए आपने मिनिमम नॉर्मल स्टैंडर्ड को सरपास किया कि नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 में से आपके 35 फाइव मार्क्स आए तो आप पास हो गए तो स्टैंडर्ड जो सेट किया है कि आपको नॉलेज है कि नहीं स्किल है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए उसको आपने पास कर लिया तो उसको हम बोलेंगे इवेल्यूवेशन इवेल्यूशन का मतलब है बेसिकली आप पास हुए कि फेल हुए आपको सफिश सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज है कि नहीं या फिर आपको और मेहनत की ज़रूरत है अब फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है यानी कि जब हम किसी भी एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के फिटनेस लेवल को चेक करते हैं तो हम करते हैं उसका टेस्ट राइट right? टेस्ट हो जाने के बाद उसको देते हैं मेजरमेंट मेजरमेंट मतलब या तो एक नंबर दे देंगे एक स्कोर दे देंगे एक यूनिट दे देंगे कि भाई इसका इसमें से इतना स्कोर आया है एंड इवेलुएशन का मतलब क्या है कि हम इवेल्युएट करेंगे कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्टैंडर्ड से उसने अच्छा परफॉर्म किया है या बेकार परफॉर्म किया है और उसके बेसिस पे उसको फिर हम ट्रेनिंग देंगे राइट right? तो यही होता है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन राइट अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही टेस्ट होते हैं इसके अलावा भी अगर कोई और टेस्ट होते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं या अलग बुक्स में अलग टेस्ट भी दिए हुए हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हो जो भी आपके स्कूल में आपके स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया हो अच्छा लगा हो आपको आप उस बेसिस पे पढ़ सकते हैं राइट right? तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट टेस्ट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं अब मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी आपको बिल्कुल ऐसे याद नहीं करना कि यार ये टेस्ट क्या होता है वो टेस्ट क्या होता है बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी तो इसमें होते हैं मोटर एबिलिटी टेस्ट मोटर मतलब बोन्स की मदद से जो हम मूवमेंट करते हैं चाहे बड़ी बोन्स की यूज़ से करते हो या छोटी बोन्स के यूज से करते हो जो हम मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मोटर एबिलिटी टेस्ट तो मोटर एबिलिटी टेस्ट में क्या चेक होता है कि हम बोन्स की मदद से हमारी बोन्स की मदद से हम कितने स्किलफुल हैं क्या हैंड आई uh, कोऑर्डिनेशन हमारा कितना अच्छा है डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है कि फिजिकल फिटनेस के क्या कॉम्पोनेंस हैं स्ट्रेंथ स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस तो हम चेक करेंगे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम अपनी स्पीड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस को चेक करते हैं तो वो किस में आ जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देन एंथोपोमेट्रिक टेस्ट एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है जो व्यक्ति है उसके बोन्स उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी नेक उसकी आ, नी की लेंथ उसके फुट की लेंथ उसके बैठने का पॉस्चर उसके खड़े रहने का पॉस्चर उसका रनिंग का पॉस्चर तो जो व्यक्ति है उसके लिम्स का मेजरमेंट या उसके बैठने चलने और दौड़ने का जो पॉस्चर होता है उसको पढ़ा जाता है क्यों पढ़ा जाता है अब क्योंकि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में क्या होता है कि व्यक्ति की जो लिब की लेंथ है वो अफेक्ट करती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इसलिए एंथ्रोपोमेटिक टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं एक व्यक्ति के लिम्ब की लेंथ उसके बैठने का तरीका उसका स्टैंडिंग पॉस्चर रनिंग पॉस्चर राइट तो वो सारा चीज़ें हम एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट में टेस्ट करते हैं राइट right? कार्डियो टेस्ट तो कार्डियो क्या है हमारा हार्ट हमारे लंग्स हमारी बॉडी की एबिलिटी की वो ऑक्सीजन को कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं तो वो किस में आ जाएगा कार्डियो टेस्ट में अचीवमेंट टेस्ट अब अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं ऐसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल में किकिंग है या दूसरे स्पोर्ट्स में शूटिंग है या बास्केटबॉल में हम कितने अच्छे से गोल कर सकते हैं तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग 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 स्पोर्ट्स में अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल होता है उन स्किल्स को हम टेस्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट समझ गए क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज क्वेश्चनर्स मतलब एक लिस्ट दे देते हैं क्वेश्चन की और सामने वाले को उसे फिल करना रहता है ऑप्शन चूज करने रहते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि सामने वाले के बिलीफ एटीट्यूड किस तरीके का है तो डेटा हमको मिल जाता है इंटरव्यू का मतलब आपको पता है कि एक व्यक्ति इंटरव्यू लेता है और जो देता है उसको इंटरव्यू भी कहते हैं जो इंटरव्यू देता है जिसके थ्रू हम सामने वाले पर्सन को जान सकते हैं एंड लास्ट होता है मेडिकल टेस्ट तो मेडिकल टेस्ट इज वेरी सिंपल एग्जामिनेशन होती है मेडिकल एक स्पोर्ट्स पर्सन की जिससे पता लग जाता है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है और अगर उसको किसी तरीके का डिसीज़ है या इंजुरी है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं राइट तो मोटर एबिलिटी टेस्ट में हमारे मोटर स्किल्स का टेस्ट होता है हम मोन्स की मदद से कितनी मूवमेंट कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ स्पीड इंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट में लिम्स की लेंथ को चेक करते हैं कार्डियोवेस्कुलर में हार्ट लंग्स और हमारी बॉडी कितनी अच्छे से ऑक्सीजन को यूज़ कर सकती है अचीवमेंट टेस्ट में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए जो स्किल्स चाहिए वो टेस्ट होती है क्वेश्चन एस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया जाता है और मेडिकल टेस्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन करी जाती है राइट right? तो सबसे पहले आता है मोटर एबिलिटी टेस्ट तो मैंने आपको बताया कि मोटर एबिलिटी मतलब बोन्स की मदद से जो हम मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मोटर स्किल्स अब जैसे कि इसमें दो ऑप्शन आते हैं या दो क्लासिफिकेशन है ग्रॉस मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर का मतलब है बिग बोन्स की मदद से जो हम बड़ी हड्डियों की मदद से जो मूवमेंट करते हैं जिससे हम खड़े रहते हैं बैठते हैं दौड़ते हैं तो ये कैसे कर पाते हैं जब हम अपनी बड़ी बोन्स की मदद से मूवमेंट करते हैं और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है हम छोटी छोटी बोन्स से जो मूवमेंट करते हैं जैसे कैच करना है थ्रो करना है डांस करना है तो कैसे कर पाते हैं जब हम अपनी छोटी छोटी बोन्स का इस्तेमाल करके मूवमेंट करते हैं राइट तो यहाँ पे बाय एनालाइजिंग मोटर स्किल्स कोचेस कैन ऑप्टिमाइज ईच एथलीट्स पोटेंशियल अब इसमें बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं जैसे मैंने बोला टेस्ट के अंदर भी टेस्ट दिए किसी की मोटर स्किल्स हमको चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे बहुत सारे टेस्ट इसमें दिए हुए थे आप दो नाम याद रख लो क्रॉफर्ड स्मॉल पार्ट डेक्सटेरिटी टेस्ट एंड पर्ड्यू टेस्ट अब ये क्या होते हैं मैं आपको सिंपली बता देती हूँ याद रखने की जरूरत नहीं है क्रॉफर्ड स्मॉल पार्ट डेक्सटेरिटी टेस्ट हम हैंड आ, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को पढ़ते हैं या जानते हैं टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं एक बॉक्स रहता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नील्स रहती है उसको उठा के जल्दी जल्दी बॉक्स में फिक्स करना है जैसा आप फोटो uh, में देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया रहेगा से फॉर एग्जांपल थर्टी सेकेंड या सिक्सटी सेकेंड उसमें आपको फटाफट ये जो नेल्स हैं जल्दी जल्दी उठाकर बॉक्स में फिक्स करनी है तो इससे पता चलेगा कि आपकी मोटर स्किल्स कितनी अच्छी क्योंकि हाथ में क्या होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स छोटी बोन्स और आई कॉर्डिनेशन तो हैंड और आई कॉर्डिनेशन इससे चेक होता है क्लियर और उसके साथ में ये पढ़ तो इस टेस्ट में क्या होता है कि मैंने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड आपको जमानी एक पर्टिकुलर टाइम में से फॉर एग्जाम्पल थर्टी सेकेंड्स में जमाना है राइट right हैंड से जो नेल्स है आपको राइट right साइड जमाना है थर्टी सेकेंड्स में और फिर आपको थर्टी सेकेंड्स दिए जाएंगे जिसमें आपको दोनों हाथ से दोनों साइड की नेल्स को जमाना है बेसिकली इसे चेक क्या होता है मोटर स्किल्स चेक होती है यानी हाथ की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो चेक होती है तो इसको बोला है मोटर स्किल्स टेस्ट राइट समझ गए देन देट इज़ फ़िजिकल फिटनेस टेस्ट तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि फिजिकल फिटनेस में क्या आता है स्ट्रेंथ स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी इंड्योरेंस तो इसमें क्या ये सारी चीज़ें चेक होती है तो वह जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं रॉजर्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट या आप फोटो में देख सकते हो ए ए एच पी ई आर डी यूथ फिटनेस टेस्ट अगर हम किसी एथलीट का कर रहे हैं तो हम उसके पुलअ फ्लैक्सड आर्म हैंग मॉडिफाइड पुलअब्स शटल रन स्टैंडिंग लॉन्ग जम्प 50 यार्ड टेस्ट 600 यार्ड टेस्ट ये सब करवाएंगे तो फिजिकल फिटनेस में क्या हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस इसके अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि आपने नाम समझ लिए कि रोजो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट होता है ए एच पी ई आर डी होता है बट बेसिकली आपको इसमें यह भी याद रखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है एज ग्रुप के हिसाब से टेस्ट बता दिए कि एज ग्रुप फाइव टू एट ईयर्स के जो हैं जो बच्चे वन टू थ्री में हैं क्लास में उनके लिए तीन टेस्ट जरूरी हैं दैट इज़ बी एम आई फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैप और जो एज ग्रुप नाइन टू एटीन में है जो बेसिकली क्लास फोर से ट्वेल्थ में है उनके लिए बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हैं जैसे बी 50 मीटर स्पीड टेस्ट सिक्स हंड्रेड मीटर रन वॉक टेस्ट सिट एंड सिकेंडरीज फ्लेक्सीबिलिटी टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट जिसमें आ जाता है अब डोमिनल पार्शल क्लब पुरश फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुरुषअप फॉर गर्ल्स तो ये सारे जो टेस्ट हैं मैं सिंपली आपको एक एक फोटो की मदद से समझा दूंगी आप बस याद रखना कि कौन सा टेस्ट किस में आता है तो आपको याद है कि ये जो सारे टेस्ट हैं ये फिजिकल फिटनेस में आते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज ग्रुप फाइव टू एट इयर्स के लिए जिनकी क्लास क्या है वन टू थ्री तो इसमें टीम

फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में क्या करते हैं जो बच्चा है उसको ब्रिक के ऊपर खड़ा कर देंगे और उसको एक पाँव इस तरीके से पकड़ लेना है बाकी जो दूसरा हाथ है उसको सीधे रखना है और वो पर्टिकुलर टाइम में कितना बैलेंस बना पाता है या गिरता है बार बार वो हम मेजर करते हैं उसके बेसिस पे हम उसको बताते हैं कि वो फिजिकली फिट है या नहीं राइट right? तो जो बच्चा इस तरीके से बहुत टाइम तक खड़े रह सकता है उसे फिजिकली फिट बताया जाएगा कि वो बैलेंस बराबर बना सकता है और उसकी लेग मसल्स बहुत स्ट्रांग है नेक्स्ट इज प्लेट टैपिंग टेस्ट तो प्लेट टैपिंग टेस्ट में आएंगे प्लेट को टैप करना है तो जो हम बेसिकली राइट हैंड लोग ज़्यादा यूज करते हैं लेफ्ट को कम तो लेफ्ट को नीचे रख देंगे और राइट right हैंड से एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार वो प्लेट्स को टैप कर सकता है ये होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट तो इससे क्या चेक होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है और उसकी लिम की मूवमेंट वो कितने अच्छे से कर सकता है राइट नेक्स्ट टेस्ट हमारा क्या है एज ग्रुप नाइन टू एटीन ईयर्स के लिए जो क्लास फोर टू ट्वेल्व में है तो उनके लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने डिस्कस कर लिए तो इनके लिए भी पहला है बीएमआई जो हमने डिस्कस कर लिया क्या है बॉडी मास इंडेक्स यानी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बराबर है कि नहीं दूसरा है 50 मीटर स्प्रिंट यानी 50 मीटर उन्हें दौड़ना है जिससे क्या चेक होगा कि उनकी बॉडी में कितनी एक्सिलरेशन और स्पीड है राइट नेक्स्ट इज 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट तो इसमें भी जो व्यक्ति है उसको 600 मीटर दौड़ना है बट वो चल के भी इस रेस को कंप्लीट कर सकता है जिसको जिससे उसका स्टेमिना और कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस चेक होगा कि वो थकान की कंडीशन में भी कितने देर तक दौड़ सकता है नेक्स्ट है हमारा सेट एंड रीच टेस्ट तो सेट एंड रीच टेस्ट में क्या होता है एक वुडन बॉक्स होता है उसके ऊपर रूलर रख देते हैं व्यक्ति को बोलते हैं जैसा आप फोटो में देख सकते हो कि उसको अपने पैरों को टच करना है अगर वो अपने पैरों को भी टच नहीं कर पाता है तो नेगेटिव स्कोर सिर्फ पैरों को टच कर पाता है तो जीरो स्कोर और पैरों से आगे अगर वो जाता है तो उसे पॉजिटिव स्कोर मिलता है बेसिकली इससे हम लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि बॉडी कितनी लचीली है राइट right? फिर अबडोमिनल पार्शल कर्लअप टेस्ट तो क्या है लेट जाना है फिर ऊपर उठ के घुटनों को टच करना है जिससे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं अबडोमिनल स्ट्रेंथ को यानी पेट की कितनी स्ट्रेंथ है और पर्टिकुलर टाइम में व्यक्ति कितनी बार कर्लअप कर सकता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि उसका बैक सपोर्ट और कोर्स स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है राइट देन देर इज पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुश अपॉर गर्ल्स तो पुशअप कैसे करते हैं सभी को पता है लेकिन गर्ल्स के लिए क्या कर दिया थोड़ा इजी कर दिया है वो अपने घुटनों को भी टेक सकती है राइट तो इससे क्या टेस्ट होता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस तो पर्टिकुलर टाइम में व्यक्ति कितना कितनी बार पुशअप कर सकता है वो चेक होता है तो इससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड चेक होता है राइट right? हमारा अगला टेस्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था इसमें क्या पढ़ते हैं द हाइट द लेंथ ऑफ वेरियस बोन्स चेस्ट बॉडी साइज स्ट्रक्चर बॉडी वेट डेवलपमेंट ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ ऑफ लंग स्टैंडिंग सिटिंग वॉकिंग पॉस्टर एंड द एंगल ऑफ आर्चिस आर मेजर्ड एंड टेस्टेड तो इसमें हाइट बॉडी वेट लेंथ ऑफ मसल्स लेंथ ऑफ बोन्स लंग्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग पॉस्चर ये सारे चीज़ें यहाँ पर मेजर होती है जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो कि नी हाइट कितनी है नेक लेंथ कितनी है हैंड लेंथ कितनी है ये सारी लेंथ जो है बॉडी पार्ट्स की वो चेक होती है अब क्यों होती हैं क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये जो लेंथ है लिम्स की या बॉडी पार्ट्स की जो लेंथ है वो इम्पैक्ट करती है एक व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑल दिस फैक्टर्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मेंस इन सर्टन स्किल्स एज रिवील वाई एन एथलीट इज हैविंग एडवांटेज इन एनी स्पोर्ट्स और गेम वेदर द अदर इज नॉट यानी दूसरे व्यक्ति को इतना एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू उस व्यक्ति को जिसकी इन बॉडी पार्ट्स की जो लेंथ है वो उसकी अच्छी है या ज़्यादा है द लेंथ ऑफ द लिम्स इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन स्प्रिंटिंग तो स्प्रिंटिंग में क्या होता है रेस में क्या होता है जो लिम्स की लेंथ है वो इम्पैक्ट करती है एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जिनकी लेग्स लेंथ ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा स्पीड और एक्सिलेशन मिलता है ऐसा स्टडी में पाया गया है देयरफॉर एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट होता है अलग अलग लिम्स की लेंथ को जहाँ पर मेजर किया जाता है राइट right? नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कार्डियोवैस्कुलर में क्या आता है हमारा हार्ट हमारे लंग्स हमारी बॉडी की क्या कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इनटेक करने की और उसका प्रॉपर यूज करने की इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट लंग्स एंड ऑर्गन्स टू कंज्यूम ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑक्सीजन थ्रू वर्कआउट अब इसके अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि हावर्ड स्टेप टेस्ट हो गया द रॉकपुर टेस्ट हो गया 12 मिनट रन टेस्ट हो गया 12 मिनट स्विम टेस्ट हो गया तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये टेस्ट क्या होते हैं जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर टेस्ट में आ गया Uh, इसको बोलते हैं थ्री मिनट स्टेप टेस्ट या फिर बेंच टेस्ट भी इसको बोलते हैं तो क्या करते हैं जिम की जो बेंच रख देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं व्यक्ति को उसको बार बार चढ़ना है उतरना है चढ़ना है उतरना है चढ़ना है उतरना है ठीक है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए से फॉर एग्जाम्पल पांच मिनट के लिए उसको फटाफट उतरना है चढ़ना है उतरना है चढ़ना है, चड़ना है फिर उसे तो रोक दिया जाएगा उसे रेस्ट दिया जाएगा रेस्ट देने के एक मिनट बाद उसकी पल्स चेक करी जाएगी या हार्ट रेट चेक करी जाएगी रेस्ट देने के दो मिनट बाद उसकी पल्स रेट या हार्ट रेट चेक करी जाएगी और रेस्ट देने के तीन मिनट बाद उसकी हार्ट रेट या पल्स चेक करा जाएगा फिर उसे एक फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कि व्यक्ति जो है कार्डियोवेस्कुलर टेस्ट में फिट बैठता है कि नहीं ठीक है तो उसको बोलते हैं बेंच टेस्ट या थ्री मिनट स्टेप टेस्ट दूसरा होता है रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट तो ये नाम से ही पता चल रहा है रॉक वॉकिंग टेस्ट हाउ अ वन माइल वॉक कैन टेस्ट योर फिटनेस लेवल तो या ट्रेडमिल है तो बढ़िया बात है एक माइल दौड़ा देंगे या फिर ओपन स्पेस में व्यक्ति को एक माइल दौड़ना है उसके बाद उसकी पल्स रेट हार्ट रेट चेक करी जाएगी एक फॉर्मूले में पुट करा जाएगा और देखा जाएगा कि वो कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट में फिट बैठता है कि नहीं वैसे ही 12 मिनट रन है 12 मिनट रन करना है 12 मिनट में वो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है और उसकी हार्ट रेट क्या है उसके बेसिस पे चेक करते हैं और 12 मिनट स्विम टेस्ट में 12 मिनट व्यक्ति को स्विम करना है उसके बाद उसकी हार्ट रेट या पल्स रेट को चेक करके और जितना डिस्टेंस उसने स्विम स्विम कर लिया है उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि व्यक्ति फिट है कि नहीं है तो ये जो आ, बेंच टेस्ट है इसके लिए बेंच की हाइट जो लड़कियां हैं उनके लिए 45 सेंटीमीटर है और लड़कों के लिए 50 सेंटीमीटर है याद रखने की ज़रूरत नहीं है जनरल इन्फॉर्मेशन है तो ये सारी चीज़ों से क्या टेस्ट होता है हमारा कार्डियोवाइस्कुलर टेस्ट होता है यानी कि हमारे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं ऑक्सीजन का इंटेक कितना कर रहे हैं हमारा हार्ट पर मिनट कितना बीट कर रहा है और हमने डिस्टेंस कितना कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं यानी हमारा एंड्योरेंस भी चेक होता है कि बहुत लंबी लंबी दूर अगर दौड़ना है तो हम थकान की कंडीशन में भी कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं तो ये था थ्री मिनट स्टेप टेस्ट रॉकपोर्ड वॉक टेस्ट ट्वेल्व मिनट रन टेस्ट ट्वेल्व मिनट स्विम टेस्ट आप सिर्फ ये नाम को याद रख लीजिए नेक्स्ट हमारा टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि अलग अलग गेम्स के लिए हमको अलग अलग स्किल्स चाहिए जैसे कि फॉर ईच गेम स्पोर्ट्स दे आर वेरियस टेस्ट टू मेजर अ पर्टिकुलर स्किल किसी गेम में शूटिंग चाहिए किसी गेम में किकिंग चाहिए किसी गेम में सर्विंग चाहिए किसी गेम में हिटिंग चाहिए या किसी गेम में इनका कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पे दीज टाइप ऑफ टेस्ट हेल्प इन अजर्टिंग एज टू हाउ फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन हैव सक्सीडेड इन अचीविंग द स्किल इन्वॉल्व इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्यक्ति की बास्केटबॉल के स्किल्स का टेस्ट कर रहे हैं तो बास्केटबॉल में जो जो भी स्किल्स चाहिए रहती है उस स्किल्स का टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर गेम में अगर कोई स्किल चाहिए तो व्यक्ति की वो स्किल्स कितनी अच्छी है राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन बास्केटबॉल देर आर टू टेस्ट जॉनसन्स बास्केट टेस्ट फॉर बॉयज एंड ले बास्केट टेस्ट फॉर गर्ल्स तो मैं सिर्फ आपको इसमें एग्जाम्पल दूंगी बास्केटबॉल का जैसे अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए जो स्किल्स चाहिए व्यक्ति के अंदर वो स्किल्स कितनी अच्छी हैं राइट जो जैसे कि बास्केटबॉल स्किल टेस्ट हो गया तो बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बास्केटबॉल में अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करना है तो बहुत सारी स्किल्स लगती है जैसे फील्ड गोल स्पीड टेस्ट होती है बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट होता है फील्ड गोल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी बार गोल कर सकते हैं वो टेस्ट होगा जैसे आपको थर्टी सेकेंड दे दी जाएंगे और बोलेंगे आप थर्टी सेकेंड में कितने गोल कर सकते हो वो टेस्ट होगा बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी यानी आपको बास्केट से बहुत दूर से फॉर एग्जाम्पल फोर्टीन फिफ्टीन इंचज दूर खड़ा कर दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि थ्रो करके बताओ तो पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप कितनी एक्यूरेसी से थ्रो कर पाते हो वो हो जाएगा बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया जाएगा से फॉर एग्जांपल थर्टी सेकेंड उसमें आप कितनी बार ड्रिबल करके डिस्टेंस कवर कर सकते हो वो हो जाएगा बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट तो ये बेसिक बास्केटबॉल स्किल्स चाहिए ये बेसिक स्किल्स चाहिए रहते किसमें बास्केटबॉल में जिसमें जिस आपको गोल करना रहता है बहुत दूर से आप कितनी एक्यूरेसी से थ्रो कर सकते हो और एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार ड्रिबल करके डिस्टेंस कवर कर सकते हो तो ये सिर्फ बास्केटबॉल तो लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन एयर्स एंड इंटरव्यू तो क्वेश्चन एयर क्या होते हैं क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग एक लिस्ट रहती है बहुत सारे क्वेश्चंस की जो उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या जिसका जो आंसर दे रहा है एथलीट उसको सिर्फ चूज करना है आंसर्स को जिसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का बिहेवियर क्या है बिलीव क्या है एटीट्यूड क्या है या फिर इंटरेस्ट क्या है राइट तो ये जो क्वेश्चन है वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरली भी हम पूछ सकते हैं एंड इंटरव्यू में क्या होता है एक व्यक्ति जो है इंटरव्यू वो क्वेश्चंस पूछता है और एक व्यक्ति जो है इंटरव्यू भी वो जवाब देता है जिसके बेसिस पे हम रेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं सो दिस इज इज एंड इंटरव्यू देन मेडिकल मेडिकल टेस्ट टेस्ट तो क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है व्यक्ति की जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है और अगर अनहेल्दी है डिफेक्ट्स हैं तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए राइट right? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी कि जब हम कोई भी टेस्ट कराते हैं से फॉर एग्जांपल मोटर स्किल्स टेस्ट करा रहे हैं या अचीवमेंट टेस्ट करा रहे हैं या कार्डियोवेस्कुलर टेस्ट करा रहे हैं या क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज ले रहे हैं तो कोई भी टेस्ट कराने से पहले या कोई भी टेस्ट को कराने के दौरान या कोई भी टेस्ट को कराने के बाद हमको किन किन स्टेप्स का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो एडवांस प्रिपरेशन मतलब का मतलब है जब हम कोई भी टेस्ट करवा रहे हैं उसके पहले हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग टेस्टिंग का मतलब है जब टेस्ट हो रहा है उस दौरान हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आफ्टर टेस्टिंग का मतलब है कि टेस्ट हो चुका है उसके बाद हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है राइट तो so, सबसे पहले आता है एडवांस प्रिपरेशन एडवांस प्रिपरेशन का मतलब है टेस्ट के पहले अगर मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ तो टेस्ट के पहले मुझे किन किन चीजों को फॉलो करना है या किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो पहला है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि मुझे कौन सा टेस्ट करवाना है यह सिलेक्ट करना है मुझे मोटर स्किल टेस्ट करवाना है मुझे अचीवमेंट टेस्ट करवाना है मुझे कार्डियोबाइस्कुलर टेस्ट करवाना है कौन सा मुझे टेस्ट कराना है यह चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी किसपे डिपेंड करेगा कि मुझ पे या जो टेस्ट करवा रहा है जो कोचेस हैं टीचर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा कि उनको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए उनको मोटर स्किल्स टेस्ट करनी है बोन्स की मदद से जो मूवमेंट है तो मोटर स्किल्स उनको पर्टिकुलर गेम के स्किल्स टेस्ट करना है तो अचीवमेंट टेस्ट उनको वेरियस लिंब की लेंथ को टेस्ट करना है कि कैसे पर्टिकुलर्स गेम uh, में किसी व्यक्ति को कोई एडवांटेज है लिंब की मदद से तो लिंब टेस्ट एंथ्रोपोमेट्रिक uh, टेस्ट करवाना है या उनको सिंपल क्वेश्चन एयर और इंटरव्यू करवाना है तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्ट यानी मुझे किस तरीके की या कोच को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पर टेस्ट होगा ऑल्सो इट विल डिपेंड कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं मेरे पास इक्विपमेंट्स कितने हैं मेरा बजट कितना है ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है नॉलेज ऑफ द टेस्ट अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है टेस्ट की तो मैं सामने वाले का टेस्ट क्या लूंगी तो जो भी टेस्ट करवा रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए टेस्ट की इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ अब मुझे रोप्स चाहिए मुझे क्लॉक चाहिए मुझे स्टॉप वॉचेस चाहिए मुझे मार्क स चाहिए या चिनाप मुझे पोल्स चाहिए मुझे क्या चाहिए तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं किसी भी टेस्ट को कराने के मेरे पास होना चाहिए और फैसिलिटीज़ होना चाहिए स्पेस होना चाहिए टेस्ट को करवाने का पता चला मेरी फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है और जिस टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए से फॉर एग्जांपल मैं कार्डियोवेस्कुलर टेस्ट करा रही हूँ और मुझे पल्स जो मेजर करना है उसका इक्विपमेंट ही नहीं है तो जो भी टेस्ट करवा रही हूँ उसका इक्विपमेंट और उसकी फैसिलिटीज़ होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ स्कोर कार्ड्स यानी जिस पर आप स्कोर देंगे वो स्कोर कार्ड्स आपको प्रिपेयर करते आने चाहिए और उसकी प्रिपरेशन होना चाहिए कि, कि किस पर आप स्कोर को रिकॉर्ड करोगे प्रिपरेशन ऑफ टेस्टिंग एरिया यानी कि जहां पर आप टेस्ट को कराएंगे उस एरिया का टेस्ट हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से कि आपको पता है कि ये एरिया अच्छा है यहाँ पर टेस्ट कराया जा सकता है तो जो भी टेस्टिंग एरिया है उसको पहले से ही अच्छे से तैयार कर लो कि यहाँ पे टेस्ट होगा तो ये एरिया को मैं अच्छा कर दूँ सिलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स अब टेस्ट कहाँ होगा टेस्ट कब होगा और टेस्ट कैसे होगा वाई वेन एंड हाउ अच्छे से तैयार कर लो एडमिनिस्ट्रेशन यानी टेस्ट में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको पता होना चाहिए तो सबको पता होना चाहिए कि भैया टेस्ट कब हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो सबको क्लियर हो जाता है कि भैया टेस्ट कैसे होगा ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स जब आप नए नए कॉलेज में जाओगे तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे करना है ऐसे पढ़ना है ऐसा नहीं करना है तो ओरिएंटेशन ऑफ और स्टूडेंट्स मतलब जब स्टूडेंट्स आए टेस्ट देने के लिए तो भैया उनको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दो कि ऐसे ऐसे, ऐसे इसको करना है इस इक्विपमेंट को ऐसे यूज करना है ऐसा आप करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं करोगे तो फाइन लगेगी या आपका जो स्कोर है वो कट हो जाएगा जो भी है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर दो ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट लीडर्स एंड स्कोरर्स स्टूडेंट लीडर्स का मतलब है कि स्टूडेंट का कोई ना कोई लीडर होगा जो उनको बताएगा कि आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है तो जो भी स्टूडेंट student, स्टूडेंट्स के जो लीडर्स हैं उनको भी थोड़ा ट्रेन कर दो कि भैया तुम जैसे स्कोर देना रहेगा तो वो कौन देगा स्टूडेंट का जो लीडर रहेगा उस ग्रुप का जो लीडर रहेगा वो देगा तो भैया लीडर को अच्छे से ट्रेन कर दो कि कैसे स्कोर देना है उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अदरवाइज किसी के साथ वो हो सकता है कि भैया मैंने तो अच्छे से परफॉर्म किया तूने ढंग से स्कोर ही नहीं दिया तो जो भी स्कोर दे रहे हैं उनको अच्छे से ट्रेन कर दो तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है टेस्ट के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट जब होने वाला है तो पहले से ही भैया टाइम पे अपने आ जाओ और एडवांस प्रिपरेशन कर लो उसके बाद ड्यूरिंग टेस्टिंग में भी है लास्ट मिनट चेक तो भैया जब भी टेस्ट होने वाला है दस बजे होने वाला है तो इंडिया में तो लोग दस बजे होने वाला है तो ग्यारह बजे आएंगे तो अगर टेस्ट दस बजे होने वाला है तो भैया आठ बजे से आ जाओ राइट आठ बजे से आके लास्ट मिनट चेक कर लो प्रॉपर टेस्टिंग एरिया है कि नहीं इक्विपमेंट्स है कि नहीं जो ट्रेनर्स हैं वो आ गए कि नहीं जो स्कोर देने वाले हैं वो आ गए कि नहीं लास्ट मिनट चेक कर लो कर दो एक बार फिर से सब लोग अब सामने हैं जो स्टूडेंट्स हैं एक बार उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दो कि इस इक्विपमेंट को ऐसे यूज करना है इसको वैसे करना है आपको ऐसे स्कोर दिया जाएगा वैसे स्कोर दिया जाएगा इस टेस्ट को करने की प्रोसीजर क्या है अच्छे से बता दो वार्म अप एंड प्रैक्टिस अब वार्म अप एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने इनिशियल चैप्टर्स में आपने या ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि कोई भी टेस्ट को कराने से पहले वार्म अप करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदरवाइज बॉडी में जर्क आ सकता है स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है ठीक है प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में तो अच्छे से वार्म करा दो प्रैक्टिस करा दो बच्चों को ताकि उनको टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम ना हो एथलीट को अगर करवाना है तो मोटिवेशन तो देखो भाई गला सबका सूखता है डर सबको लगता है तो मोटिवेट कर दो एथलीट को कि भाई डरने की तेरे को जरूरत नहीं है बढ़िया परफॉर्म कर लेगा राइट तो मोटिवेशन दे दो एंड सेफ्टी मेजर्स तो एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं तो जरूरी है कि हर टेस्ट को करने से पहले जो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स से हैं उनको फॉलो किया जाए लास्ट टेस्ट हमारा आफ्टर टेस्टिंग यानी अब टेस्ट हो चुका है सब अपने घर जा चुके हैं अब हमको क्या करना है कलेक्शन ऑफ स्कोर कार्ड्स हर प्लेयर ने या हर एथलीट ने जब कोई ना कोई टेस्ट दिया होगा तो उसका जो स्कोर कार्ड है जिस पर उसको स्कोर दिया हुआ है उसका उस कार्ड को अच्छे से कलेक्ट कर लो क्योंकि उसी उसी के बेसिस पे उसका इवेल्यूवेशन करा जाएगा कि वेदर वो फिट है कि नहीं है कन्वर्जन ऑफ रोज रोज स्कोर तो पॉइंट में अगर कोई स्कोर है तो उसका कन्वर्जन कर लो या जो भी प्रोसीजर्स होती हैं पर्टिकुलर स्कोर को कन्वर्ट करने के उसको फॉलो कर लो एंड कंपेयरिंग टेस्ट रिजल्ट्स विद द नॉर्म्स यानी अगर आपको 50 में से 25 नंबर आए हैं किसी भी टेस्ट में तो अब नॉर्म्स से हम कंपेयर करेंगे कि भैया पचास में से पासिंग मार्क्स थे पंद्रह और आपको मिले हैं पच्चीस तो आपको टिक दे दिया जाएगा आप पास हो गए हैं आपका फिटनेस लेवल ठीक है और जिनका भी उस स्टैंडर्ड से कम है पच्चीस नंबर पासिंग रखे थे लेकिन आपके सिर्फ दस नंबर हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आप फिटने फिट होने की कैटेगरी में नहीं आओगे राइट right? तो ये सारे होते हैं हमारा आफ्टर टेस्टिंग प्रोसीजर्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है आई होप आपको सारे टेस्ट पता चल गए होंगे टेस्ट के अंदर जो टेस्ट हैं वो भी समझ में आ गए होंगे स्क्रीन पर मच्छर दिखे होंगे तो आई एम सो सॉरी एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो